दोस्तों, आप सभी ने स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ शो मन की आवाज प्रतिज्ञा तो देखा ही होगा। जी हाँ, महिलाओं पर हो रहे शोषण पर आधारित सीरियल था, जिसके जबरदस्त कहानी को सीरियल के कलाकारों ने इतनी खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया कि इस सीरियल के खत्म होने के बाद जल्द ही इसका दूसरा सीजन लाया गया, जिसका नाम रहा मन की आवाज प्रतिज्ञा 2, जिसके दिलचस्प कहानी एक बार फिर से दर्शकों के दिलों को छूने में सफल रही। इसलिए तो जब से ये सीरियल खत्म हुआ है, तब से दर्शक सीरियल के तीसरे पार्ट की डिमांड कर रहे हैं। तो दर्शकों की अब इस डिमांड को जल्द ही पूरा करने आ रहे हैं सीरियल के मेकर मन की आवाज प्रतिज्ञा का तीसरा सीजन लाकर। जी हाँ, जल्द ही हमें प्रतिज्ञा सीरियल का तीसरा सीजन देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रतिज्ञा सीरियल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इस बार क्या रहेगी कहानी, कौन सी होगी इसमें स्टार कास्ट और यह सीरियल कब तक हमें टीवी पर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए, देर न करते हुए जान लेते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब। पर उससे पहले प्रतिज्ञा सीरियल के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, मन की आवाज प्रतिज्ञा सीरियल टीवी के उन्हीं शो में से एक रहा है जिसने आते ही दर्शकों के दिलों पर राज किया। इसलिए तो अब तक इस सीरियल के 2 सीजन आकर चले गए हैं, जहां इससे पहले और दूसरे सीजन की कहानी भी हमें कृष्णा और प्रतिज्ञा के जीवन पर देखने को मिली थी, जहां पढ़ी लिखी प्रतिज्ञा अनपढ़ कृष्णा से प्यार कर बैठती है और एक दूसरे से शादी रचा लेते हैं और आगे चलकर प्रतिज्ञा अपने वकील बनने के सपने को साकार करती है, जिसके बाद हमें दूसरे सीजन में देखने को मिला था कि प्रतिज्ञा और कृष्णा की शादीशुदा जिंदगी और बच्चों के बारे में, जहां वह परेशानियों का सामना करके अपने बच्चों को बचाते हैं। तभी तो इस सीरियल की कहानी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि दर्शक तभी से सीरियल के थर्ड पार्ट की डिमांड करने लगे हैं। और अब दर्शकों की इसी बढ़ती डिमांड को एक बार फिर से पूरा करने आ रहे हैं शो मेकर रविंद्रन गौतम, जिन्होंने सीरियल के स्क्रिप्ट पर काम भी शुरू कर दिया है। और इस बार की कहानी पहले और दूसरे सीजन से यूनिक होगी, जो कि इनके बच्चों के जीवन पर आधारित होगी, जिसमें कॉलेज तक की लाइफ को काफी अच्छे से मेंटेन किया जाएगा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि सीरियल की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो सीरियल के किरदार कौन से होंगे। तो आपको बता दें, प्रतिज्ञा सीरियल बिना पूजा गौर और अरहान बहल के बगैर अधूरा है। इसलिए इस बार भी पूजा गौर और अरहान बहल को प्रतिज्ञा और कृष्णा के किरदार में कास्ट किया गया है। साथ ही सीरियल में इनकी सासू माँ के किरदार में एक बार फिर से अस्मिता शर्मा नजर आएंगी, मगर इस बार अनुपम श्याम हमारे बीच मौजूद नहीं है। इसलिए अनुपम श्याम के किरदार को प्ले करने के लिए शक्ति फेम एक्टर सुरेश बैरी को कास्ट करने का मन बनाया जा रहा है, जो प्रतिज्ञा सीरियल में प्रतिज्ञा के खड़ूस ससुर के किरदार को निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं अभी अन्य किरदारों के बारे में कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, मगर रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह सीरियल साल 2022 के शुरुआत में हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी कितने एक्साइटेड हैं प्रतिज्ञा 3 सीरियल को देखने के लिए? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।